नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया है और एक्सपर्ट का ओपिनियन भी काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी अच्छे टारगेट के ऊपर कर रहे हैं। और चार्ट के ऊपर मैं पूरा एनालिसिस समझाऊंगा कि दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें क्यों अच्छा रिटर्न दे सकता है और पिछले कुछ सालों का मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अभी क्यों बेस्ट बाइंग टाइम है दोस्तों ये स्टॉक का। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। NFL दोस्तों, जिसका सिंबल है NFL और कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। दोस्तों, आज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कोट है वो है 57.80 का। दोस्तों, प्रीवियस क्लोज जो हुआ था वो 57.95 का हुआ, ओपन हुआ 57.60 का, हाई बनाया 60.20 का और लो बनाया 56 का। दोस्तों, डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी वाइज आज कैसा रहा। तो कोट जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी वो और तकरीबन 39 लैक्स के आसपास हुई थी और डिलीवरी क्वांटिटी है वो 10.45 लैक्स हुई है, तो टोटल 26.75% का डिलीवरी हुआ है। न्यूज़ के ऊपर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है एजेंसी है, उन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का लॉन्ग टर्म इश्यू रेटिंग है वो INDAA- और आउटलुक स्टेबल कर दिया है दोस्तों। और जो कॉमर्शियल पेपर का रेटिंग है वो INDA+ कर दिया है, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और उनका ये मानना है जो कंटिन्यूस जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है NFS बिजनेस में और मार्केट पोजीशन नॉर्दर्न इंडिया में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हेल्दी मार्केट शेयर है यूरिया सेगमेंट में और पोर्टफोलियो एक्सपांशन दोस्तों कर रही है कंपनी। और ये कंप्लीट वन स्टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर बनना चाहते हैं अपने कस्टमर के लिए। उससे पहले ICRA ने भी जो अपना आउटलुक था वो AA- रेटिंग विथ अ स्टेबल आउटलुक दोस्तों पहले ही 2 वीक पहले बताया था दोस्तों। तो अब जो एक्सपर्ट है दोस्तों, जियोजित फाइनेंशियल के जो हेड है विनोद नायर, उनका ये कहना है कि आपको नेशनल फर्टिलाइजर बाय करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 79। और उनका बोलना है कि जो स्टेट रन कंपनी है NFL, उनका स्ट्रांग प्रेजेंस है बायो फर्टिलाइजर में एंड यूरिया सेगमेंट है। और ये जो डिमांड है वो ज़्यादातर जून और सितंबर में बारिश अच्छे होने वाली है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब दोस्तों चार्ट के ऊपर दोस्तों देखते हैं। तो ये वीकली चार्ट दोस्तों मैंने सेट किया हुआ है, उसको मैंने जूम कर लेता हूँ आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल का जो सीनारी होता है, अभी अप्रैल का लास्ट वीक ख़त्म हुआ है, मई में हम एंटर हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप क्लोज अप देखोगे तो 25 रुपीज़ का था और मई के अंदर ही दोस्तों जो 2 या 3 वीक हुए, तो मई के अंदर वो स्टॉक 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट अपने को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है दोस्तों। यानी कि 25 का क्लोज था और अपने को जून के आसपास 30 का क्लोज मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न मिल रहा है। उससे पहले दोस्तों जो 2019 हुआ था उसमें दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था, बट फिर भी आप देखोगे कि अप्रैल का जो लास्ट वीक यानी कि ये वीक जो है उसमें क्लोज 35 का आया था और हमें गैप मिला था 41 तक का दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा हमें वहाँ पे भी रिटर्न मिला था, यानी कि तकरीबन 20% के आसपास का हमें मूव मिल जाता है दोस्तों। सेम अगर 2017 की दोस्तों बात करते हैं, तो 2017 में कंपनी का जो क्लोज था लास्ट वीक में वो बना था 78 रुपीज़ के आसपास और आपको मई के अंदर ही 89 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था दोस्तों। यानी कि 10 से 20% का मूव हमें 1 मंथ में मिल ही गया है दोस्तों। ये अप्रैल का लास्ट वीक था और उसमें क्लोज दिया था 29.85 2016 में, और आप देख सकते हैं कि मई के मंथ में वो 29 से बढ़ के ऑलमोस्ट 33-35 के आसपास दोस्तों गया था। यानी कि ये प्रूव है कि 10 से 20% का मूवमेंट अप्रैल से मई के दौरान मिल जाता है। अब चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि लेवल जो है हमने ड्रॉ करके रखे हैं, और जब ये इसमें जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान बना था तब उसने हाई बनाया था और ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट में आप देखोगे कि तीन
कंजिक्यूटिव दोस्तों वीक है दोस्तों, कि जो क्लोज था वो 55 लो बना था 51.70 का, यहाँ पे 51.15 का बना और 51.60 का बना, बट दोस्तों उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है और स्टॉक पोजीशन पॉजिटिव जोन में ही काफ़ी ऊपर चला गया है। आपको पता है स्नोमैन लॉजिस्टिक में भी हमने सेम देखा था कि जो वीकली सपोर्ट लाइन है उसको रिस्पेक्ट करता था और उसके नीचे क्लोज नहीं किया, स्नोमैन में भी टच कर दिया था दोस्तों, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब थोड़ा ट्रेंड लाइन के ऊपर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ दोस्तों, कि ये जो स्विंग हाई है दोस्तों और ये स्विंग हाई है उसको कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों ये स्टॉक। तो जैसे ही ब्रेक आएगा तो और मोमेंटम हमें मिल सकता है और रेजिस्टेंस लाइन भी जो है वो मैंने ड्रॉ करके रखे हुए दोस्तों। अब हम चार्ट में दूसरा कि जो रिट्रेसमेंट लाइन है और उससे क्या पॉसिबल टारगेट हमें मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो ये स्विंग हाई है और हम स्विंग लो दोस्तों ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये दोस्तों गलत आ गया है, मैं दोबारा करता हूँ इसको। ये जो रिट्रेसमेंट लाइन है जिसमें स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, तो इसमें ये हमने स्विंग हाई दोबारा ले लेते हैं दोस्तों और स्विंग लो कर दिया दोस्तों हमने यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जो हमने 50% का रिट्रेसमेंट 52 के आसपास आ रहा है और 61.8 का रिट्रेसमेंट 60 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉसिबल जो रेजिस्टेंस है वो 61 के आसपास रहेगा, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर हमें 77 का दोस्तों रेजिस्टेंस मिलेगा जॉन, और हमने जो जो एक्सपर्ट ने भी टारगेट दिए हैं वो 79 के आसपास के दिए हैं दोस्तों। और अगर और रिट्रेसमेंट आता है तो 161% का रिट्रेसमेंट 135 के आसपास आ रहा है, तो वो बहुत ही लंबी कहानी है। बट दोस्तों इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान हैं और डे बाय डे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बाकी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दोस्तों, और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।